अ जर्नी ऑफ अ होम मेकर। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ मेरे दिन की। सुबह सुबह सैटरडे है, आज सैटरडे की मॉर्निंग है और हम लोग गए थे ब्लड टेस्ट के लिए। तो रूटीन चेकअप ही होता है, 2 साल से नहीं हुआ था तो वही सोचा कि आज करवा के आते हैं। फाइनली ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने का होता है तो उसके लिए गए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ब्लड सैंपल्स जब भी आप देते हो तब आपका फास्टिंग रहता है तो नाश्ता करना ज़रूरी है उसके बाद। और उसके बाद वापस से हमको जाना है दूसरा सैंपल देने के लिए आफ्टर फूड का। तो चलिए आज हम जा रहे हैं इधर ही लोकल स्वामी करके एक आउटलेट्स ओपन हुए हैं साउथ इंडियन डिशेस का, तो वहाँ पर हम ट्राई करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट हमारा। आपको भी मैं लेके चलती हूँ मेरे साथ। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं आई हूँ स्वामी करके जो आउटलेट है वहाँ पर नाश्ता करने के लिए। तो आज मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ मेरे डोसे का, इडली वड़ा सांभर का और इधर की जो कॉफ़ी मिलती है कॉफ़ी उसका भी मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से आज शेयर करूँगी। तो ये है स्वामी आउटलेट, में बहुत सारी जगह पर बनाए गए हैं तो जल्दी से मैं उसका रिव्यू आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही सारी साउथ इंडियन आइटम्स इधर अवेलेबल थी, अच्छी अच्छी डिशेस, और प्राइस जो था वो बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल रेट है, जो कि हम स्ट्रीट फूड पे हमेशा से ही खाते हैं उसी प्राइस रेंज में है और क्वालिटी दी बेस्ट है। बैठी हूँ मैं इधर स्वामी में और इधर अभी आ गया है हमारा मेंदू वड़ा सांभर। टेस्ट करके आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये कैसा है। और साथ ही लिया है शीरा, ये कौन सा वाला शीरा? केसर शीरा। चलिए ट्राई करते हैं अभी हम एक्सपीरियंस। ये ऊँचा नीचे हो रहा है। तो अभी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मेरा मेंदू वड़ा सांभर का। इसका जो टेस्ट है ना, ज़्यादातर इधर हम सांभर लेते हैं ना तो उसमें ये लोग मीठापन कर डाल देते हैं जो कि इधर नहीं है। सांभर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ऐसा फील आ रहा है कि हम कैसे ही साउथ में पहुंच गए हैं। तो काफ़ी अच्छा इन लोगों ने कोशिश किया है साउथ के टच को बरकरार रखने का। अभी ट्राई करते हैं शीरा। मैं स्वीट लवर नहीं हूँ बट हाँ, ये वाला शीरा अगर आप गरम गरम ऑर्डर करते हो तो इसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है और ये फेमस भी होता है। तो ओवरऑल मेंदू वड़ा सांभर ग्रेट। आप बना रहे हो ना? तो हो गया। ये कौन सा है? सादा डोसा। कौन सा? सादा डोसा। नहीं भैया, रवा मसाला डोसा और मैसूर मसाला। हाँ, मैसूर मसाला दे रहे हैं। हाँ, सादा डोसा। और ये अनलिमिटेड रहता है भैया सांभर? हाँ। और चटनी हम और ऑर्डर मतलब ले सकते हैं? हाँ, मिलेगा। ये देखिए ये क्या है, रवा मसाला, आर्यन का डोसा आ गया। और ये रहा मेरा मैसूर मसाला डोसा। डोसा सही में बहुत ही अच्छा है, सारी चीज़ें इवन इडली सांभर भी मैं देख रही हूँ कि बाद में ट्राई करूँगी। तो रिजनेबल प्राइस भी है, ज़्यादा अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो यही चीज़ का काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसकी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। और ऐसे ओपन में बैठ के खुली हवा में
हम लोगों ने अभी एक एक बार सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, अभी वापस से हम लोगों ने ऑर्डर किया था एक और मैसूर मसाला डोसा, एक और इडली वड़ा सांभर, वो भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। बस अभी बज रहे हैं अराउंड 11 बजने को आए हैं, तो हमारा लंच कम ब्रेकफास्ट मतलब कि ब्रंच ही हो गया है और बहुत ही अच्छा है। अभी बारी है कॉफ़ी की, फिल्टर कॉफ़ी। जी ये वाली कॉफ़ी पीने का सबसे अच्छा वाला मज़ा जो है वो विंटर में आता है, बाहर अच्छी वाली सर्दियाँ हो और आप ये गरम गरम कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाए, बट मुंबई की गर्मी के सामने ये कॉफ़ी फीकी पड़ रही है क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, सुबह का टाइम है। तो अभी ये फिल्टर कॉफ़ी मैं ट्राई करने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेट्स सी। और आपको एक चीज़ पता है, कॉफ़ी और वो सब जो है वो हमेशा चुस्की लेके पी जाती है, ना कि सोफिस्टिकेशन से। ये सारी चीज़ें गरम गरम चुस्की लेने के बाद ही मज़ा आता है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिया। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। Bye for now. See you very soon.